के प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों जोर शोर से शुरू कर दी है। रही इसी क्रम में एटा के मारहरा नगर पालिका क्षेत्र के मोनसती में पहुंचकर जनटीवी संवाददाता ने क्षेत्रीय जनता का मूड जानने की कोशिश की। आ चुके हैं जनपद एटा के मारहरा नगर पालिका के गांव मोनसती में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, नगर पालिका के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मोनसती की जनता यहाँ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार मारहरा नगर पालिका का अध्यक्ष का जो ताज होगा किसके सर पर होगा। जी हाँ, अच्छा, इस बार मारहरा नगर पालिका का चुनाव भी है, आपको मालूम है जी। और इस बार अध्यक्ष का जो चुनाव वो ताज होगा किसके सर पर पहनाएंगे आप? ये विजय सिंह टाइगर का। क्या वजह है विजय सिंह टाइगर को चुनाव करेंगे आप? पहली बार हमारे गांव नगर पालिका में आया हुआ है जी, जी इसलिए हम अपने गांव में लाना चाहते हैं जी। इससे पहले कौन सी पार्टी जो नगर पालिका में रही अध्यक्ष की? वो परमेश्वरी थे, सभा में। कितने वर्ष हो गए? 35 साल हो गए। क्या उन्होंने कोई विकास कराए? नहीं, हमारे गांव नगर पालिका में नहीं था जब। अच्छा, नहीं, और बात करें नगर पालिका क्षेत्र की, किस तरीके से कोई विकास विकास कराए? नहीं, कुछ नहीं करा सर। आपका नाम? गजवीर सर। गजवीर, गजवीर सिंह। कौन से गांव के हैं आप? ग्राम मोहन सती के रहने वाले हैं। इस बार किसका चुनाव करेंगे आप? हम विजय टाइगर को करेंगे चुनाव, बीजेपी से। फूल वालों को हम वोट देंगे। क्या वजह है आप फूल खिलाएंगे? फूल की वजह यह है कि विकास हमारा अच्छा हो, हमारा नेता हो, और फिर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमको उनके लिए ला के बैठा नहीं सकते हैं कुर्सी पे। मैं गांव मोनसती से हूँ। किसको वोट करेंगे इस बार आप? हम जो है बीएपी को सपोर्ट करेंगे। बीएपी हमारी समर्थक है जी। और उनके समर्थक हम हैं। अच्छा, बात विकास की और विकास की बात है। विकास में हमें पूरा भरोसा, पूरा भरोसा मतलब जो विकास भी पूरा हुआ करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने बात की, यहाँ की जनता थी, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो वोट होगा वो विकास को लेकर वोट होगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी बेहतर होगी इस बार। और यहाँ साथी लोगों ने बताया कि लगभग बीते दिनों 35 वर्षों से यहाँ सपा का नगर पालिका में गढ़ रहा था, लेकिन इस बार पाला भाजपा के पाले में जाने वाला है, यहाँ ऐसी जनता ने बताया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या होता है। अगर भाजपा से प्रत्याशी प्रतिनिधि विजय सिंह टाइगर को मौका मिलता है तो वो जनता के बीच अच्छा काम करेंगे, ऐसे जनता का विश्वास है। जन टीवी